न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जमशेदपुर में झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर शहीद को नमन करने हेतु आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जमशेदपुर पहुंचे, जहां आजसू पार्टी के द्वारा निर्मल संकल्प डहर यात्रा निकाली गई। साक्षी स्थित बोधी मैदान में संकल्प सभा का भी आयोजन किया गया था, जहां सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने भाषण के दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, उनकी नई सोच नई ऊर्जा के कारण इस राज्य को गठन हुआ है। आज हम लोग संकल्प ले कि उसी जोश के साथ निर्मलता के शहादत पर हम देश के सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य की परिकल्पना और उसके गठन की कल्पना निर्मलता की थी और इस प्रदेश को उन्होंने अंजाम तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी को तैयार करने का श्रेय और संघर्षशील बनाने का श्रेय निर्मलता को जाता है, जिसके कारण झारखंड की चर्चा दिल्ली तक हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं आजसू के प्रधान महासचिव रामचंद्र सईस ने कहा कि वीर शहीद निर्मल महतो के नेतृत्व में पढ़े लिखे लोगों को संगठित किया गया और आंदोलन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सब को शपथ दिला रहे हैं कि युवा संकल्प ले, नई सोच ने और नई ऊर्जा के साथ निर्मलता के सपनों को पूरा करेंगे। संकल्प सभा के बाद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में निर्मल संकल्प डहर यात्रा निकाली गई, जो कदमा के उलियान स्थित शहीद के समाधि बेदी पर शहीद को श्रद्धांजलि देकर समाप्त हुई। प्रेरणा के स्रोत, नई सोच नई ऊर्जा के प्रतीक निर्मलता के शहादत पर संकल्प लेने के लिए पार्टी ने कोल्हान में तय किया है। आज से पार्टी के हजारों संकल्पित कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित होकर प्रदेश के अंदर अपनी जवाबदेही और अपने शेष कार्यों का, शेष सामाजिक राजनीतिक दायित्व का इस प्रदेश को रचने में, इस प्रदेश की कल्पनाओं में और इस प्रदेश के संघर्ष में अग्रणी नेता शहीद निर्मल महतो ने, जिनका सपना वो एक पार्टी के अध्यक्ष होते हुए एक दूर दृष्टि दूर की राजनीति सोचने वाले शहीद निर्मल महतो जी का आज शहादत दिवस है और कोल्हान के पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन ने, छात्र संगठन ने मिलकर यहाँ पर निर्मल डहर, निर्मल के विचारों के डहर पर कदम चलने का ये संकल्प लेने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राज्य के वर्तमान स्थिति और वर्तमान समय उनके विचारों को तुलनात्मक करके देखेंगे तो इस प्रदेश में और प्रदेश के हालात, उनके विचारों के साथ राजनीति करने वाले दलों का तो अरमान पूरा हुआ लेकिन झारखंडियों का अरमान अधूरा रह गया है। उन झारखंडियों के निर्मल डहर विचार के लोगों के अरमानों को पूरा करने के लिए दूरगामी सोच के साथ जिस आजसू पर कल्पना, जिस आजसू के कल्पना या उसके बारे में जो सोच रखे थे निर्मलता, आज उसी संगठन ने अपने दायित्व और संकल्प के साथ डहर के माध्यम से, निर्मल डहर के माध्यम से उसे पूरा करने का संकल्प लिया है। साथ ही मैंने यही कहा है कि निर्मलता को इस प्रदेश में क्रांतिकारी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और साथ ही साथ निर्मलता के हत्यारे तो पकड़े गए लेकिन हत्या के सूत्रधार का अभी तक पटाक्षेप नहीं हुआ है, ये झारखंड की जनता मांग रही है। कब तक यात्रा चलेगी आपकी? ये तो